नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुंबई में आपको आना है और कैसे आप यहाँ रहेंगे और कैसे ऑडिशन देंगे, कैसे फिल्मों में काम मिलेगा, ये सब की जानकारी देने के लिए मैं आपका रामा यादव भोजपुरी वन चैनल में स्वागत करता हूँ। कई सारे आपने वीडियो देख लिए हैं, मुझे पता है कि आपने सब वीडियो देख लिए हैं और सब में जानकारी मिल गई है। अब आप सोच रहे हैं, अपने मन भी बना लिए हैं आपने कि अब मैं चलता हूँ मुंबई और मुंबई में आप जाके स्ट्रगल करूंगा और किसी न किसी फिल्म या सीरियल में काम पा जाऊंगा। लेकिन मन में एक सवाल, एक नहीं बहुत सारे सवाल आ गए। मेरा तो मुंबई में कोई है ही नहीं, मैं कैसे वहां पे रहूंगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्ट्रगलिंग कर पाऊँ या एक्टिंग क्लासेस या एक्टिंग के लिए जो सर्वाइव जो होता है, जो एक्टिंग स्कूल में या कहीं पे ऑडिशन देने जाए, कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरा ये पैशन है, मैं कैसे इसको जो है आगे बढ़ाऊं? मैंने सवाल बहुत कम कहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो मैंने सारे सवाल को कमेंट में चेक किया और एक राय जो है वो आप लोगों के लिए निकाला हुआ है कि भाई एकदम बेसिक चीज है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं और जो मेरी बातें हैं, अगर आप मान लेंगे तो मुझे लगता है कि आप मुंबई में आसानी से रह पाएंगे और आसानी से इंडस्ट्री में काम करने लायक हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कहीं भी हो, किसी राज्य में भी हो और मुंबई आने की सोच रहे हैं, आर्टिस्ट बनने की सोच रहे हैं, कलाकार बनने की सोच रहे हैं, फिल्म लाइन में काम करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पूरे परिवार को एक बार जरूर पूछ लें। आप पूरे परिवार को इकट्ठा बिठा कर उनसे पूछ लें कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और मुंबई जाने के बाद जो है मेरा जो कैरियर है वो बनाना चाहता हूँ। लेकिन परिवार आपको इजाजत दे या न दे, ये तो परिवार के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप में जुनून होगा तो शायद आप परिवार की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मना भी करें तो उस पे आपको करना क्या है, कुछ सावधानी बरतनी है। पहली बात तो कोई भी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने कहीं कोई कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ मुझसे बात करने के अलावा किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है कि आप किसी धोखेबाज के साजिश में आ सके। तो जब भी आप किसी भी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट या एक्टिंग स्कूल या कहीं पे भी जो काम आपको देने वाला है फिल्मों में, उसमें जब फोन लगाएं तो पैसे की बात जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले काम उसके बाद पैसा, चाहे वो काम दे चाहे ना दे, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा देकर कभी 0% काम आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो पैसे का व्यवहार बिल्कुल ना करें, अगर आपको टैलेंट है तो वो काम जरूर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका परिवार बोल देता है और आप निकल जाते हैं मुंबई के लिए, तो सबसे पहले आप एक समय सीमा निर्धारित कर लें कि मुझे मुझे जो है 1 साल में मैं टारगेट तक पहुंचूंगा, या 6 महीने में, या 2 साल या 3 साल टारगेट तक पहुंचूंगा। अगर मेरा टारगेट फेल हो जाता है, मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाता हूँ, सीरियल में नहीं मिल पाती जगह, आर्टिस्ट नहीं बन पाता हूँ, तो मैं वापस से पीछे की तरफ कदम बढ़ा लूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने कई लोगों को यहाँ देखा है कि आते हैं सपना लेके और इतना बड़ा सपना वो देख लेते हैं कि वो सपना अगर पूरा नहीं होता है तो अपने गांव अपने राज्य नहीं लौटते, यहीं अंधेरी महाड़ा के किसी गलियों में बेचारे भूखे मर जाते हैं, या तो उन्हें जो है किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं और वो अपने घर वापस नहीं लौट पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनको सदमा लगता है कि वो कलाकार नहीं बन पाए। तो इस सदमे से बचने के लिए आप अपने पहले ही अपने माइंड में एक टारगेट फिक्स कर लें, 1 साल 2 साल 3 साल। चलिए, तीसरा मेरा जो है वो ये है कि आप अपने हाथ में कोई कला रखें। अब आप कहेंगे यार एक्टिंग के सिवा कुछ आता ही नहीं है, तो ठीक है कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ तो आता है। अरे आप जीवन में मोटरसाइकिल चलाए होंगे, चार वाहन जो है चार पहिए के चलाए होंगे, तो आप बाइक चलाने आता है आपको, आपको गाड़ी चलाने आता है आपको, जो है कि कुछ और भी चीज़ें आती हैं, तो आप वो काम करिए, जरूर करिए। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ डिग्री पाए हैं, कुछ कुछ काम करने लायक हैं आप। आपके अभी तो फिल्म लाइन में अगर ज्वाइन हो रहे तो आपको 25 से लेकर 35 साल की उम्र होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए है कि अगर आप कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि ये काम ही आपको रोजी रोटी दिलवाएगा। हालांकि जो एक्टर का सपना है वो सपना है, हकीकत आपका हाथ का हुनर है। तो दोस्त, हाथ के हुनर को कभी भी नाराज मत करना, सीख लेना, चाहे वो पिताजी की दुकान ही क्यों ना हो हिसाब किताब की, चाहे वो माँ का कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो मामा का कोई कोई क्लासेस क्यों ना हो,
मैं कहता हूँ कि परिवार में कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे होंगे अपना जीवन चलाने के लिए, तो आप भी अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ जाने, और उसी को लेकर आप जो है यहाँ जब मुंबई में आएंगे तो आप उसको आजमाइएगा, क्योंकि स्ट्रगल करना इतना आसान नहीं है। अगर वो हुनर आपको नहीं मिला तो होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। मुंबई में कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहाँ पे आए थे, और आने के बाद उनको एक आध दो रोल मिल भी गया, काम उन्होंने किया भी, लेकिन आने के बाद जब उनके वो काम मिल गया तो उनको पैसे जो है मिले वो उन्होंने खर्च कर दिए, वो डिपेंड हो गए। मतलब जो पैसा मिला उन्हें ये लगने लग गया कि बस इसी पे जो है मेरी जीविका चल जाएगी, और काम ना मिलने पे इनका खर्चा तो ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा इन्होंने कर लिया, क्योंकि गाड़ी ले ली उन्होंने, थोड़ा भाड़े पे अच्छा सा घर ले लिया, कपड़े अच्छे पहनने लगे, क्योंकि ये स्टार्टअप में घूम रहे भाई, स्टार है। लेकिन क्या हुआ कि अगली फिल्म में काम नहीं मिला, थोड़ा काम नहीं मिलने की वजह से तो उनकी जो है तंगी वाली हालत शुरू हो जाती, क्योंकि वो दूसरा कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं जानते। तो ऐसे में अगर आप वो दूसरा कुछ काम जानते हैं, वो पार्ट टाइम काम करते होते तो पॉकेट के पैसे नहीं खर्च होते। क्योंकि देखो ऑडिशन देने के लिए पैसा खर्च होता है, ऑडिशन में अपना नंबर लगवाने के लिए, अपना काम पाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना होता है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस के जो वॉचमैन होते हैं उन्हें भी 10-20 देना पड़ता है, तो पैसा तो लगता ही है, थोड़ा सा करप्शन है इसके अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेहनत के आगे करप्शन कोई चीज़ नहीं होती, मेहनत करके जब सीट पर बैठेंगे तो आप भी चमकेंगे किसी दिन। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको कोई हुनर करके आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, पैसे कमाइए, जेब में पैसे आएंगे, कोई भी काम करके 8 घंटा 9 घंटा काम करके पैसे आ जाएंगे, दूसरे दिन जो है छुट्टी मिलेगी या जो समय बचता है उसमें स्ट्रगल कीजिए, ऑफिस में जाइए। अरे पैसे रहेंगे तो यार कम से कम खाने के लिए तो भूखे नहीं मरोगे, गांव से पैसे तो नहीं मंगाओगे। एक्टर का सबसे ये जो नियम है ये बहुत ही अच्छा नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो बात और है कि आप माने ना माने, लेकिन और अगला ये बात मैं बताऊँ आपको, इसमें दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा इतना मैं ये कहूंगा कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको काम मिला है, जिनको नहीं मिला है या कर रहे हैं, काम मिला है आपको धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मिल गया है। जिनको नहीं मिला है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं मिला है वो भी ध्यान रखें कि कभी भी इसको अपना फुल टाइम कैरियर मत मानना, क्योंकि फुल टाइम कैरियर में स्टार चमकता है और नहीं भी चमकता है, काम मिलता है नहीं भी मिलता है। कुछ लोगों का इसी में ऐसी हालत हो गई है, मैं कुछ लोगों की बात क्या करूँगा, अगर आप इतिहास उठा के देख लें तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक दो फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया, चमक भी गए, लेकिन काम ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आत्महत्या कर ली, चाहे वो हिंदी फिल्मों की बात करूँ मैं, चाहे वो भोजपुरी फिल्मों की बात करूँ। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा आप अगर अभी नए हैं तो। और जो मैंने अभी आपको बताई है बात, अगर आपको समझ में आ रही है तो ये सारी चीज़ें, अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी बात को समझते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि जो मैंने शुरुआत से लेकर अब तक बताया आपको, कैसे आपको घर से अपने निकलना है, क्या तैयारी करके निकलना है, तो यही तैयारी आपको जीवित रखेगी, स्वस्थ रखेगी और हमेशा सुखी रखेगी। क्यों? क्योंकि ये सब मैं कर चुका हूँ। जब मुझे फिल्म लाइन में काम नहीं मिला था तो मैं ऑटो चलाता था, मेरे पिताजी ऑटो चलाते थे तो मैं भी ऑटो चलाता था। और इन्हीं सब की जानकारी को मैं आज आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज मैं चेन्नई में हूँ, और चेन्नई के इस टी नगर में हुआ मैं शूटिंग कर रहा था, और एक हेमंत नाम के जो व्यक्ति हैं वो मुझे जो है मेरे यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा हूँ कि मैं चेन्नई में हूँ, तो वो कहे कि मैं भी चेन्नई में हूँ, हालांकि वो बिहार में थे, मतलब बिहार के हैं और यहाँ चेन्नई अपने जो है पढ़ाई के लिए आए हुए थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई, वो मेरे सेट पे आए, यानी जहाँ मैं शूटिंग कर रहा था मैंने उनको बुलाया, वो आए और हम लोग मिले। ये देखिए, तो मैं आज आपको बताने वाला था, यानी अभी जो मैं वीडियो के पहले भी आपसे बात कर रहा था कि मुंबई में आने के पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसे आप लोग हमेशा कह देते हो कि सर हम मुंबई आएंगे एक्टर बनेंगे, तो इसके लिए जो मैंने आपको बताई जो चीज़ें, अभी जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और उसी में जो है मेरे साथ आज हेमंत है,
अभी अगर आप मेरे किसी वीडियो में अगर हेमंत और मेरी बातों को सुन रहे हो कि मैं एक्चुअली मैं आज चेन्नई में हूँ, चेन्नई में मैं शूट कर रहा हूँ, और हेमंत की लगातार जानकारी मुझे आ रही थी कि मैं भी चेन्नई में हूँ, तो मैंने कहा चलो आप आके मिल लो, क्योंकि हमें इतना अगर मुंबई से यहाँ आके शूट कर रहा हूँ तो, और आप भी जो है कि ये जो है बिहार के हैं और बिहार से ये जो है बेंगलुरु में ना, बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में रह रहे हैं और वहाँ से ये चेन्नई आए हैं और यही तलाश है उनकी, ये जो इनकी तलाश है, एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है, और इनकी तलाश में आज मेरे जो यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो देखा और उस पर जो मैंने कहा था कि मैं चेन्नई में हूँ, तो इन्होंने भी कहा मैं भी चेन्नई में, हम कहा चलो आके मिल लेते हैं और मिल लिए। पर मैं आज इनको भी वही बात बता रहा हूँ जो आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को मैंने बताया कि मुंबई में कैसे आना चाहिए और कैसे काम करेंगे। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए हेमंत जी, हमारे जो लोग जो देख रहे हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं छोटे से गांव का हूं और पटना ज़िले के नौबतपुर गांव है मेरा, और मैं बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन घर से भी प्रॉब्लम और प्रेशर कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक्टिंग की ओर खींचते गया। और अभी फ़िलहाल मैं बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा हूँ CTI का, जो ITI के बाद होता है, टीचर ट्रेनिंग, सरकारी से कर रहा हूँ। तो मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे स्ट्रगल करने में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो, मैं पढ़ाते रहूँ और फिर स्ट्रगल करूँ, बस मेरा यही मुख्य पॉइंट है। यानी आप भी समझ चुके होंगे कि अब क्या है कि अगर अपने जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप जो है ना इस लाइन में सर्वाइव कर पाए, क्योंकि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो पैसे तो होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो देंगे सर, क्योंकि ऑडिशन में कभी वहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, तो तकलीफ तकलीफ होगी। इसीलिए आपको जो है कि आपको अपनी कमाई थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी आता है छोटा मोटा, जो भी आप व्यवसाय करते होंगे, व्यापार करते होंगे, तो आपको करना चाहिए। चलिए ये तो हो गई जानकारी जो मैं आपको दिया और अभी और भी दूंगा। बात करेंगे हेमंत जी से कि उन्होंने जो है कैसे सोचा होगा कि YouTube से हम इस तरह से मिल लेंगे। कैसा लग रहा है आपको YouTube से जो है आपने मुझे ढूंढा और मैंने, हम चेन्नई में है अभी भी, चेन्नई में, देखिए चेन्नई में सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, वैसे आपसे मिलना सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहले आपसे मिला नहीं कभी और YouTube से मिल रहा हूँ। हालांकि जब बेंगलुरु में मैं आया तो मैं थिएटर करता था पटना में, तो बेंगलुरु में आया तो थिएटर का ना बहुत प्रॉब्लम था। पहली बात तो कि मैं भाषा वहाँ का समझ नहीं रहा था, और रोड चलते किसी आदमी से पूछता तो समझ नहीं पा रहा था वो। तो फिर मैंने YouTube, Facebook और ढूंढना चालू किया, तो फिर मैंने आपका चैनल पे देखा, आपको, आपका वीडियो को, और फिर वहाँ बेंगलुरु का भी देखा, तो मुझे आपके वीडियो का ना मैं बहुत अच्छा लगा उनको, और फिर सोचा कि आपसे मिलता हूँ एक बार, तो फिर मैं यहाँ चेन्नई तक आ गया मिलने के लिए। तो देखा दोस्तों, आपने कई बार मुझे कंप्लेन किया है, कई बार लोग मुझे कमेंट करते बहुत अच्छे हैं कि टाइम, एक रोड चलते लड़का को भैया टाइम दिए हैं। नहीं नहीं, रोड नहीं, सब मेरे भाई हैं। मैं हमेशा देखो, जब भी मैं, जब कोई मुझे सर कहता है ना, तो मैं हमेशा उसके नीचे भाई लिख के कमेंट करता, भाई भाई, क्योंकि सर मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों, फिल्म लाइन से जुड़ी जो भी बातें होती मैं बताते रहता हूँ। जो मैंने आज आपको बताया है कि सर्वाइव करना है तो अपने हाथ में कुछ भी कला लेके चलो, कोई भी कला, चाहे डिग्री लेके चल रहे हो, चाहे ऑटो चला के, मैंने जो स्टार्टिंग में ऑटो चला के लाइसेंस लिया था, ऑटो चलाता था, चाहे आप ठेले पे कुछ बेच रहे होंगे, कुछ भी करो, लेकिन करो, क्योंकि उससे जो पैसा आपके जेब में आएगा उससे आप अपना जीवन और ज़िंदगी दोनों बना सकते हैं। बिना पैसा का तो ऑडिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि कभी यहाँ जाना है, कभी चेन्नई जाना है, कभी बेंगलोर जाना है, तो वो बिना पैसा का तो संभव है नहीं, मुश्किल हो सकता है। और तो इसीलिए चलिए चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, जो हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, उससे हमारा हिम्मत बढ़ता है कि आपने हमारे वीडियो को अच्छा समझा है ज़रूर, और बगल में ही एक सब्सक्राइब होगा। अगर आप फिल्म लाइन से और भी जानकारी चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो में आपको कुछ न कुछ नसीहत मिल जाएगी। और साथ में एक बेल आइकॉन होगा, घंटा होगा, उसे दबा देना, ताकि आपको तुरंत मालूम पड़ जाए कि कोई नई वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए मुझे रामा यादव और मेरे दोस्त हेमंत को इजाज़त दीजिएगा। बाय।